आज से एक महीने पहले यानी कि 3 दिसंबर 2022 जब राजस्थान के सीकर जिले के पेपराली रोड स्थित कुख्यात गैंगस्टर राजू ठेहट की कुछ बदमाशों ने गोलियों से भूनकर बहुत ही निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर दी थी। तो 3 दिसंबर को राजू ठेहट मारा गया था और आज 3 जनवरी 2023 यानी कि एक महीने का वक्त गुजर चुका है। एक महीने के गुजर जाने के बाद भी राजस्थान की पुलिस अभी राजू ठेहट के हत्यारों को खोजने में लगी हुई है और इस पूरे मामले में जितने भी आरोपी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं उन सभी की गिरफ्तारियां की जा रही है। तो राजस्थान की पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। राजू ठेहट की हत्या के लिए जिसने हथियारों का इंतजाम किया था, 200 कारतूस का इंतजाम किया था, उसे गुजरात से पकड़ा गया। गुजरात के ATS ने उसे पकड़ा। कल हमने आपको इस बारे में खबर बताई थी लेकिन उनसे पूछताछ के बाद क्या कुछ निकलकर जानकारी सामने आई है उस बारे में बताएंगे। राजू ठेहट के हत्याकांड में क्या कुछ अपडेट चल रहा है, रोहित गोदारा के बारे में क्या कुछ कहानी चल रही है, राजस्थान के और बाकी सब गैंगस्टरों के बारे में क्या कुछ चल रहा है, एक एक बातें आपको विस्तार से बताएंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोजाना सुनाते हैं अपराध की दुनिया की छोटी और बड़ी खबरें। तो राजू ठेहट की हत्या के बाद एक नाम निकलकर बहुत तेजी से सामने आया था उस वक्त, जिसका नाम था विजय बिश्नोई। और विजय बिश्नोई के ऊपर आरोप था कि इसने राजू ठेहट को मारने के लिए हथियारों का इंतजाम किया था, कारतूसों का इंतजाम किया था। तो उससे गुजरात के ATS ने पकड़ा। उस वक्त वो राजस्थान से निकलकर बहुत आसानी से गुजरात चला गया था और कहा गया था कि गुजरात में जब वो गया तो किसी ट्रक में छिपकर वो वहाँ से गया था और इस बात की भनक राजस्थान की पुलिस को लगी थी और उसने गुजरात पुलिस को इन्फॉर्म किया था कि ऐसे ऐसे एक बदमाश है जो यहाँ से फरार है, अगर उसको देखे तो उसको पकड़ा जाए। तो गुजरात के ATS ने उस बदमाश को पकड़ लिया और कल उसे वापस राजस्थान पुलिस के पास समर्पित कर दिया गया, विजय बिश्नोई को। तो विजय बिश्नोई को जब कोर्ट में पेश किया गया, कोर्ट में पेश करने के बाद उसके साथ दो लोग और हैं, और इन्हें जब वापस से पुलिस ने रिमांड पर लिया तो कई सारी चीज़ों का खुलासा परत दर परत एक बार फिर से नए सिरे से निकल कर सामने आ रहा है। और ये कहा जा रहा है कि विजयपाल बिश्नोई, जो कि हरियाणा के भिवानी जिले का रहने वाला है, इसने राजू ठेहट की हत्या के लिए 200 कारतूस सप्लाई किए थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 200 कारतूस से कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता है। 200 कारतूस की संख्या कहीं ना कहीं राजू ठेहट को पूरी तरह से नस्तोनाबूद करने के लिए मंगाई गई थी, या फिर आप इसे कह सकते हैं कि राजू ठेहट को मारने के लिए इन बदमाशों का कैसा खतरनाक प्लान था कि 200 कारतूस। आप सोचे, 50 तो फायरिंग ही हुई थी राजू ठेहट के ऊपर, लेकिन 200 कारतूस मंगाने के पीछे आप कहीं ना कहीं इस रूप से देख सकते हैं कि राजू ठेहट को हर हाल में बदमाश मारना ही चाहते थे। तो विजय बिश्नोई को जब कल कोर्ट में पेश किया गया तो उसके साथ धनराज और अशोक नाम के दो अपराधी हैं, उनको भी कोर्ट में पेश किया गया। ये दोनों तो राजस्थान के जोधपुर और जयपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जबकि विजय बिश्नोई हरियाणा के भिवानी जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। तो इन बदमाशों का पुलिस को 5 दिनों का रिमांड मिला है। 5 दिनों के रिमांड के दौरान इनसे गहनता से राजस्थान की पुलिस पूछताछ कर रही है और संभव है ये भी कि रोहित गोदारा इस वक्त कहाँ छिपा हुआ है। हो सकता है कि रोहित गोदारा के बारे में इन बदमाशों को जानकारी हो, तो रोहित गोदारा को लेकर भी आने वाले समय में बड़ी अपडेट देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल 5 दिनों का रिमांड मिला है, इन 5 दिनों में पुलिस पूछताछ करेगी। 2 दिन का रिमांड का टाइम खत्म हो चुका है और पुलिस ने अभी कुछ खास जानकारी मीडिया के समक्ष नहीं रखी है, लेकिन इन बदमाशों से 5 दिनों के पूछताछ के बाद काफ़ी कुछ चीज़ें निकलकर सामने आ पाएंगी। वैसे आपको बता दें कि राजस्थान का कुख्यात गैंगस्टर राजू ठेहट जब जिंदा था तो वो भी कहीं ना कहीं आतंक का पर्याय बना हुआ था, लेकिन हम एनकाउंटर को तो कहीं से सही नहीं कह सकते। कानूनी रूप से उन्हें जो सज़ा मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए, लेकिन इस तरह से जो गैंग वॉर में हत्याएं होती हैं उसे कहीं से भी सही नहीं कहा जा सकता। राजू ठेहट की हत्या के बाद राजस्थान के सीकर जिले की पुलिस का जो है ऑपरेशन चल रहा है। जितने भी बदमाश इस पूरे मामले में शामिल हैं उन सभी को जमीन खोदकर, आसमान से भी उनको खोज कर पुलिस ला रही है और उन बदमाशों को कोर्ट में पेश करके रिमांड पर ले रही है। वैसे देखा जाए तो इस पूरे मामले में 13 से 14 आरोपी अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें से कईयों को जेल भेज दिया गया है और कई अभी पुलिस के रिमांड में हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। वैसे आपकी जानकारी के लिए ये भी बताते कि राजू ठेहट हत्या के बाद राजस्थान के अंदर एक बदलाव देखने को मिला है। सोशल मीडिया पर गैंगस्टरों को देखकर भटके हुए युवाओं के लिए पुलिस ने अब एक टीम बनाई है। ये टीम उन सभी लोगों की मॉनिटरिंग करेगी, उनको पकड़ेगी, उनको हिरासत में लेगी और उन्हें अब समझाने बुझाने की या फिर उनकी काउंसलिंग, आप कह सकते हैं काउंसलिंग की जाएगी। तो राजस्थान के अंदर अब कहीं ना कहीं अपराध को खत्म करने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने यह ऐलान कर दिया है कि भाई अपराध किसी भी तरह से राजस्थान के अंदर नहीं चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आप देख सकते हैं राजस्थान में राजू ठेहट की जब से हत्या हुई तब से राजस्थान के अंदर इस तरह की खबरें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। और आपको याद होगा 31 दिसंबर यानी कि अब से 2 दिन पहले जब राजस्थान का एक और गैंगस्टर, जिसे कहीं ना कहीं ए कैटेगरी का गैंगस्टर कहा जाता है या फिर उसे तीसरा राजस्थान का सबसे बड़ा गैंगस्टर कहा जाता है, विक्रम गुर्जर उर्फ लादेन,
तो राजस्थान की पुलिस मुस्तैदी दिखाते हुए उसे भी गिरफ्तार करके अब सलाखों के पीछे पहुंचा चुकी है। तो इस पूरे क्रम में देखा जा रहा है, मिला जुला के अगर हम कंक्लूजन निकालें बात का, तो राजस्थान की पुलिस अब अपराध किसी भी कीमत पर प्रदेश में नहीं चाहती है और जितने भी इस तरह के गुंडे माफिया हैं उन सभी को पकड़ पकड़ कर जेल के सलाखों के पीछे डालने का काम कर रही है और ये कहीं ना कहीं बहुत ही सराहनीय काम है। और रही बात रोहित गोदारा की, तो रोहित गोदारा को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। उसका लोकेशन अभी तक ट्रैक नहीं हो पा रहा है कि रोहित गोदारा इस वक्त विदेश में है या फिर हिंदुस्तान के किसी कोने में छिपकर बैठा हुआ है। तो फिलहाल राजू ठेठ के बारे में अभी यही अपडेट था, तो बने रहिएगा BDF न्यूज़ के साथ क्योंकि जैसे ही कुछ अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नए साल की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आप सोशल मीडिया पर देखकर गैंगस्टरों को प्रभावित होते हैं तो भाई साहब सुधर जाइए, वरना आपके लिए भी मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।